हेलो फ्रेंड्स, गौरी स्टिचिंग कान्हा जी ड्रेस चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, मैंने कान्हा जी की ड्रेस बनाई है, ये इसके साथ कैप भी बनाई है। देखिए कैसी लगी आपको ये ड्रेस, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। देखिए ये मैंने पूरा फ्लैट सर्कल बना लिया है, अब इसमें मैं डिजाइन निकालूंगी। ये डिज़ाइन निकालना बहुत ही आसान है। ये देखिए मैंने तीन चैन ली हैं, इस डबल क्रोशे में ही डालकर डबल एक डबल क्रोशिया हो गया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और एक तीन की चैन, ये चार हो गए। और ये दो डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद तीसरे डबल क्रोशिया में जाकर ये देखिए तीसरे डबल क्रोशिया में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया हो गया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, ये देखिए चार डबल क्रोशिया, ये देखिए दो डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद तीसरे डबल क्रोशिया में जाकर फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह इसे पूरे सर्कल को तैयार करेंगे, चार चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद तीसरे डबल क्रोशिया में जाकर चार चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान और सिंपल है और जल्दी बन जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये देखिए ये डिज़ाइन निकाल दिया है मैंने, ये देखिए। इसी तरह दूसरा डिज़ाइन निकालेंगे, ये दो रो छोड़ने के बाद तीसरी रो में हम डिज़ाइन निकालेंगे। ये देखिए इसमें भी इसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले तीन की चैन बना लेंगे और फिर ये देखिए ये मैंने तीन की चैन बना ली और ये फिर इसी में जाकर एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया, एक तीन की चैन हो गई तो कुल मिलाकर चार डबल क्रोशिया हो गई। ये देखिए दो रो दो डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद तीसरे में जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह इसमें भी चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद तीसरे में जॉइंट कर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपको नए नए डिज़ाइन और बहुत ही सिंपल आसानी से बनने वाले डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए इसी तरह दो डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद तीसरे डबल क्रोशिया में जाकर ये दो डबल क्रोशिया, ये उन मेरी थोड़ी बारीक थी इसलिए मैंने डबल कर ली है। ये देखिए अगर ऊन बारीक हो तो डबल कर गोपाल जी का ड्रेस बनाई है मैंने। ये देखिए इसी तरह पूरे सर्कल को तैयार करेंगे। डिज़ाइन बहुत ही आसान है
और जल्दी बन जाती है, कोई भी बना सकता है। जिन बहनों पर क्रोशिया बनाना आता है आसानी से बना सकती हैं। ये देखिए, फिर दो डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद तीसरे डबल क्रोशिया में जाकर तीन और ये चार डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह दो डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद तीसरे डबल क्रोशिया में जाकर ये देखिए ये मैंने डिजाइन बनाई है। इसी तरह पूरा सर्कल तैयार करेंगे। ये देखिए ये तैयार कर लिया है मैंने। ये देखिए कैसे लगा कमेंट में बताना ज़रूर। अगर मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लाइक करके मुझे बताइएगा और वीडियो को भी लाइक करें। ये देखिए तीन चैन लेने के बाद मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए तीन हो गई, ये चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया और ये छह डबल क्रोशिया। देखिए और ये जहाँ तक ये बिल्कुल इसमें फिट आए वहाँ पे जाकर जॉइंट करना है पहले। ये देखिए फिर जॉइंट करने के बाद तीन की चैन लेंगे और फिर वहीं पर जा कर के फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह छह डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए उसी होल में जाकर छह डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए इसी तरह जहाँ तक ये फिट आए वहाँ पे जाके जॉइंट कर देना है सिंगल क्रोशे से और फिर तीन की चैन लेनी है। चैन लेने के बाद उसी होल में फिर से छह डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए डिज़ाइन बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए ये गोपाल जी की पाँच नंबर की ड्रेस है। आप चाहे तो इसे छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं। छोटे लड्डू गोपाल के लिए सर्कल थोड़ा छोटा बना लेना और उसके बाद ये डिज़ाइन निकाल देना। बड़े से बड़ा डिज़ाइन बना सकते हैं इसी तरह। देखिए ये देखिए छह बार डबल क्रोशिया करने के बाद जहाँ पर ये बिल्कुल फिट आए वहाँ पे जाकर सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देना है और तीन चैन लेनी है। उसी होल में जाकर फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह छह डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए देखिए ये यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। ये देखिए कैसा लगा गोपाल जी की ड्रेस।
अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये देखिए, देखिए ये कैप बनाई है मैंने गोपाल जी की, इसका लिंक भी मैंने डाल रखा है।